ही हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के लिए ये हमने रेडीमेड आटा ले लिया है जो मार्केट में मिलता है गुलाब जामुन बनाने के लिए, और उसको इस बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से बाउल में निकाल लेंगे, एक पैकेट आटा और डालेंगे, 200 ग्राम का एक पैकेट है, इसको निकाल लेंगे। आटा का गोला बन चुका था, उसको इस तरह से मसल लेंगे, इस तरह से गोले को मसल लेंगे। और ये आटा में डालेंगे हम ये पानी डाल लेंगे आटा लगाने के लिए। इस तरह से आटा लगा लेंगे हम गुलाब जामुन के लिए। और ये इस तरह से आटा लगने के बाद हम ये एक एक ये ले लेंगे, गोले बना लेंगे इसका गुलाब जामुन का। और गोला बनाने के बाद एक उंगली से बीच में होल कर देंगे और उसमें डालेंगे ये पिस्ता, और इसको इस तरह से पैक कर देंगे और फिर से इसको अच्छी तरह से गोल बना लेंगे। अच्छी तरह से इस तरह से गोल बना लेंगे और ये गुलाब जामुन तैयार है। और ये फिर से एक दूसरा ले लेंगे और इस तरह से फिर से गोल कर देंगे। गोल करने के बाद एक उंगली से इसमें होल कर देंगे। होल करने के बाद एक पिस्ता इसके अंदर, और इस तरह से पैक कर देंगे। पैक करने के बाद इस तरह से बना लेंगे, गोल कर लेंगे पूरी तरह से इसको गोल कर लेंगे। ये इस तरह से रख लेंगे और ये इस तरह से गोल बना के गुलाब जामुन को घी हमने गरम कर लिया था स्लो गैस पे, और गुलाब जामुन इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम स्लो गैस पे पकाएंगे जिससे कि अंदर तक पक सके। अगर गैस फास्ट रखेंगे ऊपर ऊपर से पक जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा। सारा डालने के बाद इस तरह से इसको पलट के चलाते रहेंगे कि हर तरफ से जैसे गुलाब जामुन है पके। ये इस तरह से गुलाब जामुन के लिए चाशनी हम बना लेंगे। ये चाशनी हमारा रेडी है और ये गुलाब जामुन हमारा तैयार हो चुका है। इसको निकाल के चाशनी में डाल देंगे। इस तरह से निकाल के चाशनी में डाल देंगे और निकालने के बाद इसको इस तरह से चाशनी में देंगे ताकि अच्छे तरह से ये जो गुलाब जामुन है चाशनी पी ले। इस तरह से ये गुलाब जामुन एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये गुलाब जामुन निकालने के बाद इस पर डालेंगे ये कटी हुई पिस्ता इसके ऊपर। इस तरह से डाल देंगे कटी हुई पिस्ता और ये तैयार है गुलाब जामुन।